करो का। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। हरियाणा में मंत्रियों के विभाग बदले, अनिल विज को झटका, दो डिपार्टमेंट के वापस लिए, गुर्जर के पास रहेगा शिक्षा मंत्रालय। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का ऐलान, बदमाश के हमले से शहीद हुए एएसआई शंभू दयाल के परिवार को सरकार देगी 1 करोड़ की मदद। कलकत्ता हाईकोर्ट में हंगामा करने वाले वकीलों के खिलाफ अवमानना का मामला न्यायाधीश ने लिया संज्ञान। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, बोले भारत में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं, गलत बयानबाजी से करना होगा परहेज। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में स्कूल की मिड डे मील में मिला सांप, खाना खाने के बाद कई बच्चे बीमार, अभिभावकों ने की तोड़फोड़। जयराम रमेश ने गुलाम नबी आजाद की पार्टी पर कसा तंज, बोले डीएपी हुई डिसअपियरिंग आजाद पार्टी। मुंबई में 28 करोड़ की कोकीन के साथ तस्कर अरेस्ट, कस्टम अधिकारी से बोला जांच में सब बता दूंगा, पहले मुझे मेरी मोहब्बत से मिलवाओ। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फ पर फिसला सेना का वाहन, खाई में गिरने से 3 अधिकारियों की गई जान, रूटीन गश्त के दौरान हुआ हादसा। पीएम मोदी ने भारतीय रेलवे कोच उत्पादन की प्रशंसा की, कहा यह आत्मनिर्भर बनने के संकल्प को दर्शाता है। जोशीमठ में होटल तोड़ने को लेकर भारी विरोध, 13 जनवरी को सीएम धामी ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा का बयान, बोले 2018 चुनाव में मैंने त्रिपुरा के लोगों से किया था एक झूठा वादा। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा, राहुल बोले देश में आरएसएस बीजेपी के लोग एक दूसरे धर्म को लड़ा रहे हैं, यात्रा की हुई शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 एनआरआई को किया सम्मानित, शिवराज ने दूसरे दिन भी हाथ जोड़कर मांगी माफी, बोले असुविधा हुई तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। दिल्ली में बीते 23 सालों में सबसे भीषण ठंड, बिहार के 8 जिलों में सीवियर कोल्ड डे जारी, पंजाब हरियाणा में आज बारिश की संभावना। हरियाणा में सत्तापक्ष के विधायक दल की बैठक, सीएम बोले लोकल बॉडी के अधिकार बढ़ाए, पंचायतों में 1100 करोड़ से होगा विकास। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का बयान, बोले बीजेपी ने पिछड़ों से धोखा किया, विरोध करोगे तो सरकार जेल में डाल देगी। पत्नी के फोन पर बात करने पर गला दबाकर हत्या, कमरे से बदबू आने पर पता चला सिर, चेहरा और गले पर चोट के निशान मिले। यमुना एक्सप्रेसवे पर नौझील में बनेगा ट्रामा सेंटर, सीएम योगी ने दी स्वीकृति, हादसों को देखते हुए विधायक ने की थी मांग। बीबीएयू के यूनिवर्सिटी डे पर बवाल, एलएलबी की छात्रा से छेड़छाड़ के बाद स्टूडेंट ने किया कुलपति आवास का घेराव।
एमडीए ने ध्वस्त की ग्रीन बेल्ट में बनी 12 दुकानें, काट रोड पर अकबर किले के दिल्ली रोड तक बना रहे मास्टर प्लान में आड़े आ रही थी। रायबरेली में 12 लोगों को डंपर ने कुचला, 4 की मौत, चाय की दुकान को तोड़ते हुए नहर में गिरा। आगरा कानपुर हाईवे पर 6 गाड़ियां टकराई। उन्नाव हादसे में घायल 5वें यात्री की भी मौत, 6 का जिला अस्पताल में चल रहा था इलाज। एक्सप्रेसवे पर डीसीएम से टकरा गई थी बस। बरेली में पुलिस ने वसूली करने वाले को अरेस्ट किया। ऑडियो के आधार पर डीआईजी ने दर्ज कराया था शेरगढ़ थाने में मुकदमा। महोबा में चौकी पर विशेष समाज का प्रदर्शन। सोशल मीडिया पर युवती के अभद्र टिप्पणी करने पर जताई नाराजगी। अमरोहा में हुआ इन्वेस्टर समिट का आयोजन। 38 कंपनियों के निवेशकों के ने प्रतिभाग लिया। 2,257 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का दिया प्रस्ताव। को 16 तक बंद करने का लिखा पत्र कार्यकारी महामंत्री बोले, शीतलहर को देखते हुए फरवरी में कराई जाएगी प्री बोर्ड परीक्षा। मुरादाबाद में मेडिकल छात्रा से रेप, टीएमयू हॉस्पिटल के डॉक्टर पर आरोप, लड़की की मंगेतर को भी भेजी अश्लील तस्वीरें। बहराइच में प्राइमरी स्कूल के पीछे से 6 जुआरी दबोचे, पुलिस ने छापेमारी करते हुए पकड़ा, 10,000 की नकदी भी बरामद हुई। चंदौली के एसपी ने लाठीबाज दरोगा को किया लाइन हाजिर, प्रमासपा के प्रदेश अध्यक्ष को खुलेआम पिटाई का मामला। लखनऊ में वकीलों से मारपीट में 2 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर, 9 घंटे जाम लगाने पर 300 वकीलों पर पुलिस ने दर्ज कराया था केस। बहराइच में पुलिस टीम ने नष्ट कराया 6 क्विंटल लहन, नदी के किनारे बन रही थी अवैध शराब, छापेमारी में बरामद हुआ जखीरा। सुल्तानपुर में गोवंश आश्रय स्थल में ठंड से 3 गोवंश की मौत, 2 दिन से पड़े हैं गोवंशों के शव, खुले में रखे गए हैं गोवंश। सुरौली बॉर्डर का कस्टम कमिश्नर लखनऊ ने किया दौरा, आयात निर्यात को बढ़ाने पर दिया जोर, नेपाल के अधिकारियों के साथ भी हुई बैठक। तीन निरीक्षकों समेत 7 उप निरीक्षकों के तबादले, अमरोहा एसपी ने देर रात जारी किया आदेश। किसानों ने बिलाई मिल के जेएम को बनाया बंधक, गन्ना भुगतान नहीं होने से थे नाराज, सोमवार से जारी धरना प्रदर्शन। भदोही में ट्रेन की चपेट में आकर किशोर की मौत, खेत पर जाने के लिए पार कर रहा था रेलवे ट्रैक, मुंबई में रहकर करता था पढ़ाई। इटावा में कई वाहन आपस में भिड़े, 6 घायल, खनन अधिकारी की लापरवाही के चलते हुआ हादसा, चेकिंग के चलते ट्रक चालक लगे भागने। बाराबंकी में ट्रक में लगी भीषण आग, लकड़ी लादकर लखनऊ जा रहा था ट्रक, टायर जाम होने के चलते हुआ हादसा। बहराइच में हाथी ने युवक को पैरे तले रौंद दिया, मौके पर मौत हो गई, खेत की रखवाली कर रहे थे 2 दोस्त, दोनों को ने दौड़ाए, एक ने भाग कर बचाई अपनी जान। फिरोजाबाद में 9 अपराधी 6 माह के लिए जिला बदर, रसूलपुर टुंडला से 3-3, बटसेना से 2 और थाना रामगढ़ से 1 अभियुक्त पर कार्यवाही।
अलीगढ़ में लुटेरों के हौसले बुलंद, कार में बैठी दंपति को तीन अज्ञात लुटेरों ने लूटा। तमंचे व चाकू के बल पर तीन लुटेरों ने लाखों की लूट की। बुलंदशहर में बचपन बचाओ आंदोलन के तहत चार नाबालिग बच्चों को कराया गया मुक्त। होटल और ढाबों पर मजदूरी कर रहे थे मासूम बच्चे। कानपुर में दिन दहाड़े मोबाइल की दुकान से नोटों की गड्डी उठा ले गए चोर। छात्र चोर की चोरी की घटना कैमरे में हुई कैद। बुलंदशहर में NH91 पर अज्ञात वाहन ने अज्ञात व्यक्ति को कुचला। हादसे में मौके पर युवक की हुई मौत। मृतक की शिनाख्त कराने में जुटी पुलिस। मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया अलर्ट। अगले 48 घंटे के लिए कोल्ड डे का अलर्ट। कानपुर के मौसम को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड के जोशीमठ में हालात चिंताजनक है। जोशीमठ में जारी है जिंदगी की जंग। इमारतों पर नहीं चलेगा बुलडोजर। उत्तराखंड में बदला मौसम। ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी और हल्की बारिश। जोशीमठ में दुश्वारियां बढ़ा सकता है मौसम। धामी सरकार जोशीमठ के सर्वे की फाइनल रिपोर्ट मिलने के बाद केंद्र को भेजे की प्रस्ताव। मांगेंगे 1000 करोड़। राज्यपाल गुरमीत सिंह से मिले सीएम धामी। राज्यपाल ने कहा लोगों की सुरक्षा सबसे अहम, उन्हें न हो कोई भी परेशानी। उत्तराखंड में जोशीमठ भू धसाव को लेकर सुरक्षा घेरा तोड़। राज्यपाल व सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेसी। पुलिस विभाग में हड़कंप। जोशीमठ में भू धसाव के पीड़ितों की मदद के आगे आए बाबा रामदेव। जोशीमठ रवाना किए राहत सामग्री के दो ट्रक। उत्तराखंड में गहराता बिजली संकट। रिकॉर्ड लेवल पर पहुंची डिमांड। एक्सचेंज से भी नहीं मिल पा रही पर्याप्त बिजली। जोशीमठ का जायजा लेने पहुंचे रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का बयान। बोले हमारी प्राथमिकता लोगों की जान बचाना। अमेरिका से लौटे व्यक्ति में मिला कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन। दिल्ली एयरपोर्ट पर दिया था सैंपल। जोशीमठ भू धसाव में राहत कार्यों के लिए सीएम धामी का अहम कदम। सीएम धामी देंगे मुख्यमंत्री राहत कोष में अपना 1 महीने का वेतन। उत्तराखंड में संचार नेटवर्क को खतरा। सीएस ने मोबाइल टावर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में ड्रोन से 40 मिनट उत्तरकाशी भेजी वैक्सीन की 400 डोज। पहली बार किया गया सफल ट्रायल। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन चुनाव में महिमा वर्मा गुट का दबदबा। अध्यक्ष पद पर ज्योत सिंह गुलसोना ने मारी बाजी। उत्तराखंड में शुरू हुआ अग्निवीरों का अग्निपथ। शुरू हुआ 6 महीने का प्रशिक्षण। चेहरे पर दिखा देश सेवा का जज्बा। जोशीमठ में पहली बार तकनीकी जांच से खुलेगा भू धसाव का राज। जमीन की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेंगे वैज्ञानिक। कैलिफोर्निया में 3.4 करोड़ लोगों पर बाढ़ का खतरा। 2.2 लाख घरों में बिजली नहीं। कई इलाके डूबे। अब तक 17 की मौत हो चुकी है।
प्रिंस हैरी की आत्मकथा सबसे तेज बिकने वाली ब्रिटिश नॉन फिक्शन, पहले दिन 4 लाख कॉपियां बिकी, शाही परिवार के विवादों का जिक्र। शहबाज शरीफ की बेइज्जती, कश्मीर कैंपेन का टूलकिट एजेंडा फ्लॉप, सोशल मीडिया पर जमकर हुई किरकिरी। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को अमेरिका के अस्पताल से मिली छुट्टी, जो बाइडेन पर उठ रहे हैं सवाल। प्रोफेसर रह चुके हैं बाइडेन, 3 साल में यूनिवर्सिटी ने दिए $9 मिलियन, आज तक नहीं ली एक भी क्लास। पाकिस्तानी हिंदुओं को गंगा में अस्थि विसर्जन के लिए वीसा, बोले पुरखों का सपना पूरा हुआ, अब उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। इमरान खान की वार्निंग, पूर्व पीएम बोले अफगानिस्तान पर हमले की गलती ना करे पाकिस्तान, जंग शुरू हुई तो खत्म नहीं होगी। पेरू में हिंसा के दौरान 17 की मौत, पूर्व राष्ट्रपति की रिहाई की मांग कर रहे हैं समर्थक, सेना से भिड़े, इमरजेंसी लगाए जाने के संकेत। ब्रिटेन का पहला स्पेस मिशन फेल, ऑर्बिट में एंट्री ही नहीं कर पाया, रॉकेट लॉन्च देखने के लिए उमड़ी थी सैकड़ों लोगों की भीड़। देश दुनिया में कोरोना का खतरा, साउथ कोरिया जापान के नागरिकों के एंट्री रोकेगा चीन, भारत में कोवोवैक्स बूस्टर डोज पर हो सकता है फैसला। वेस्ट्रॉन प्लांट खरीदने के करीब टाटा ग्रुप, आईफोन बनाने वाली पहली इंडियन कॉरपोरेट बनेगी टाटा कंपनी। बैंक ऑफ इंडिया में एफडी पर मिलेगा ज्यादा ब्याज, बैंक ऑफ इंडिया सीनियर सिटीजन को दे रहा है 7.55% का ब्याज। ऑटो एक्सपो में दिख सकती है मारुति की पहली ईवी, टाटा पंच इलेक्ट्रिक से भी उठ सकता है पर्दा। IQOO 11 5G भारत में लॉन्च, फ्लैगशिप फोन में 256 GB स्टोरेज और 50 MP कैमरा। शाहरुख खान ने लॉन्च की हुंडई की ईवी, ने आइनिक 5 एथेनॉल से चलने वाली वैगन आर लेकर आई मारुति। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री हसन मुशरीफ के ठिकानों पर ईडी की दबिश, चीनी मिल में भ्रष्टाचार मामले में छापेमारी की। विश्व बैंक ने 2023 के लिए ग्लोबल ग्रोथ रेट का अनुमान घटाया, 3 दशक में सबसे कमजोर आर्थिक विकास। यात्रियों को छोड़कर उड़ान भरने के मामले में DGCA ने रिपोर्ट तलब की, गोफर्स्ट ने मांगी माफी। केंद्र सरकार ने डिप्टी गवर्नर माइकल देवपत्र यात्रा को दिया सेवा का विस्तार, केंद्रीय बैंक ने घोषणा की है। मंदिरों में कार्यरत कर्मियों की तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का तोहफा, महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। डेविड वार्नर को धर्मशाला स्टेडियम पसंद है, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने फोटो शेयर करके पूछा ये कहां की जगह है। पृथ्वी शॉ ने रणजी ट्रॉफी में 13 शतक जड़ा, रणजी का यह दूसरा सर्वश्रेष्ठ स्कोर, असम के खिलाफ बनाए 389 रन।
दासुन सनिका को मॉड्रिक रन आउट पर कप्तान रोहित शर्मा बोले, मुझे नहीं पता था शमी ने ऐसा किया, शनाका अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। भारत दौरे पर होगी ऑस्ट्रेलिया की अग्नि परीक्षा, कंगारू टीम ने पिछली 4 टेस्ट सीरीज में जीता सिर्फ 1 मैच। फिर एक बार अंपायर से भिड़ पड़े शाकिब, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में 3 मिनट तक चलता रहा जबरदस्त ड्रामा। टीम इंडिया ने जीता साल का पहला वनडे, श्रीलंका को 67 रन से हराया, 4 साल बाद कोहली का घर में शतक। मलेशिया ओपन में पहले राउंड में हारे श्रीकांत, साइना जापानी खिलाड़ी निशिमोटो ने दूसरी बार हराया। सत्ताईस आपराधिक मामले में शामिल बुराक अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए बॉक्सिंग क्लब से जुड़े, अब बच्चों को भी देते हैं ट्रेनिंग। पहले वनडे में बने 17 रिकॉर्ड्स, विराट ने सचिन के 3 रिकॉर्ड तोड़े, रोहित और गिल और उमरान ने भी रचा इतिहास। सोलह टीमों में हॉकी वर्ल्ड कप की जंग, बेल्जियम ऑस्ट्रेलिया फेवरेट, भारत चौथी बार करेगा मेजबानी। बिग बॉस फेम महक चहल की तबीयत बिगड़ी, 4 दिन वेंटिलेटर पर रही, हेल्थ अपडेट देते हुए बोली अभी भी ऑक्सीजन लेवल ऊपर नीचे हो रहा है। छोरी 2 के सेट पर घायल हुई नुसरत भरूचा, एक्शन सीन शूट करते वक्त लगी चोटें, चेहरे और हाथ पर लगी हैं टाके। गोल्डन ग्लोब अवार्ड लेते हुए इमोशनल हुए एमएम की रावड़ी, नाटू नाटू के कंपोजर में विनिंग स्पीच में एसएस राजा मौली को कहा थैंक यू। मेगा स्टार रामचरण ने लॉन्च किया पठान का ट्रेलर, शाहरुख बोले ऑस्कर लेकर आइएगा तो प्लीज मुझे छूने दीजिएगा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 इवेंट में सवाल कर रहे रिपोर्टर को जूनियर एनटीआर ने दिया गिफ्ट, फैंस ने की तारीफ। गोल्डन ग्लोब में आरआर को अवार्ड, नाटू नाटू गाने ने जीता बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब, सेरेमनी में भावुक हुए म्यूजिक कंपोजर। फिल्म कुत्ते पर विवाद, एएसपी की बेटी पहुंची हाईकोर्ट, पोस्टर में पुलिसकर्मियों के चेहरे पर कुत्ता दिखाया, 12 को सुनवाई। एक बार फिर पैप्रोजी से भिड़ी तापसी पन्नू, कहा आपको लग जाएगी, फिर बोलोगे एक्टर की वजह से लग गई, लोग बोले दूसरी जया बच्चन। विद्या बालन बनी भाभी जी, घर पर की है अंगूरी, यूजर्स बोली फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया है, आप अकेले ही फिल्म हिट करा देती। हिमाचल में नानी के घर पहुंची यामी गौतम, कई दिनों से मंडी में रह रही थी, बोली बिलासपुर की धाम बनानी सीख रही। आज के इस शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।